अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। ये लो तुम्हारी भूकंप वाली गन मशीन, जिस जगह भूकंप लाना हो इससे निशाना लगा के ट्रिगर दबा दे, गन से रेज निकल के उस जगह पड़ेंगी और वहाँ भूकंप आ जाएगा। समझ गए? समझ गया, समझ गया। जॉन इतना भी ना समझ नहीं है मिस्टर माइकल। मजा आ रहा है, शादी में डांस करने का मजा ही कुछ और है। मेरे प्यारे फुरफुरी नगर वालों, नाच गाना बंद करो, जल्दी से शादी करके अपने अपने घर जाओ। तुम हमें लूटने आए हो क्या? दोस्तों, मेरे प्यारे फुरफुरी नगर वासियों, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज सुबह सुबह मुझे सपना आया था कि मोटू पतलू जहाँ भी जाएंगे वहाँ भूकंप आएगा, और सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं। उड़ी बाबा, हम अक्सर सुबह सुबह सपना देखता है कि हमको एक खजाना मिला है, लेकिन आज तक नहीं मिला। मेरा सपना कब पूरा होगा? जिसे मानना है वो माने, जिसे नहीं मानना है वो ना माने। मैं तो सिर्फ फुरफुरी नगर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बताने आया था। चल जाओ, बाय बाय। अरे जॉन रुक जाओ, आज मैं इतने जोर से नाचूंगा, इतनी जोर से नाचूंगा कि सचमुच भूकंप आ जाएगा। और तुम्हारा सपना भी सच हो जाएगा। आगे यार, देखा देखा मेरे शैतानी दिमाग के तूफानी आइडिया का कमाल। अब मोटू पतलू को बदनाम करके शहर से बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों, इस स्कूल का इनॉग्रेशन तो मुझे करना था, लेकिन मैं मोटू पतलू के हाथ से करवाना चाहता हूँ। उन्होंने फुरफुरी नगर की भलाई के लिए बहुत योगदान दिया है। थैंक यू। अब मैं मोटू पतलू से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आकर इस रिबन को काट के नए स्कूल का इनॉग्रेशन करें। फिर से एक सपना देखा है, एक सफेद साया सपने में आया और बोला, जहाँ जहाँ मोटू पतलू हो गए वहाँ वहाँ भूकंप आएगा और बर्बादी फैलती जाएगी। अगर फुरफुरी नगर वाले इस भूकंप से बचना चाहते हैं, तो मोटू पतलू को शहर से बाहर निकाल दे। पहले तो हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। अरे हम पीछे क्यों जा रहे हैं? पता नहीं। अरे जल्दी रिबन काटो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जॉन सच कह रहा था, मोटू पतलू जहाँ जहाँ होंगे वहाँ भूकंप आएगा। मेरा स्कूल इनकी वजह से टूट गया,
इन्हें फुरफुरी नगर से निकाल दो, वरना पूरा फुरफुरी नगर बर्बाद हो जाएगा। चिंगम, मोटू पतलू को इस शहर से बाहर निकाल दो। इट्स एन ऑर्डर। मैं फुरफुरी नगर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। Yes, sir! अरे रुक जाओ, पहले रिबन तो काट लेने दो। स्कूल ही नहीं बचा तो रिबन का क्या करना। मारो, मोटू पतलू को मार के भगा दो। अरे पतलू, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो। आइडिया, ये सपना जॉन को ही आता है और इस प्रॉब्लम का हल जॉन से ही पता चलेगा, लेकिन इस प्लान में चाय वाले को अपने साथ मिलाना होगा और चिंगम सर की भी मदद लेनी होगी। ये मोटू पतलू, रात को फोन पे जैसा बताया था ना, मैं वैसा ही करूंगा। जॉन की चाल को सफल नहीं होने दूंगा। हाँ। ओके, अब चिल्लाना शुरू करो। अरे मोटू पतलू, तुम दोनों फिर से आ गए। अरे निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना फिर भूकंप आ जाएगा। हाँ, हमें भी सपना आया है कि जहाँ जहाँ हमारी वजह से भूकंप आएगा, वहाँ वहाँ सोना चांदी रुपया निकलेगा। बकवास है, बकवास है। कहीं किसी का सपना पूरा होता है क्या? चलो देखते हैं, इस बार इतने भूकंप लाऊंगा कि ये बच के जा नहीं पाएंगे। दुकान तुम दोनों की वजह से टूट गई। अरे भागो यहाँ से, भागो। ये लो सारा सोना, तुम रख लो, अब हमारा सपना भी पूरा हो रहा है। बाकी जहाँ जहाँ भूकंप आएगा, हम सोना चांदी लेकर सब लोगों में बांट देंगे। अरे मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। अरे अरे तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मैं एक नई दुकान बनाऊंगा। रोज यहाँ आओ, भूकंप लाओ, अरे सोना चांदी निकालो और मुझे भी देते जाओ। हाँ बस बस, उनका सपना तो सचमुच पूरा हो गया। देखो कितने सोने की सिक्के चाय वाले को देकर वो चले जा रहे हैं। यकीन नहीं होता कि ये सच है। इन्हें अपनी टैंक में ले आओ, वहाँ भूकंप लाऊंगा और जो सोना चांदी निकलेगा वो सब मैं ही रख लूंगा। एंजल, इस तरह से पकड़ के क्यों लाए हो? छोड़ दो इन्हें, ये मेरे दोस्त हैं, प्यारे जिगरी दोस्त, भरपूरी नगर के वासी है। नंबर वन चाय बनाओ, नंबर टू तुम जाओ नाश्ता ले आओ। ओके बॉस। यही ओकन है जिससे ये भूकंप लाता है। बस भागो,
भागने का टाइम आ गया है। भागो भागो। नंबर वन नंबर टू देखो, देखते जाओ, सोना चांदी निकला कि नहीं। बॉस बॉस, भागते रहो वरना हमें इस दुनिया से निकलना पड़ेगा।